अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये वीडियो हमारे भाई खैरुल इस्लाम राणा के कमेंट के मुताबिक बनाया गया है। उन्होंने कमेंट किया था कि ई रिक्शे को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कैसे सेट करें, कौन सा वायर में कितना वोल्ट रहता है, कहाँ पे मल्टीमीटर को लगा के चेक करना है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, मल्टीमीटर का जो रेड वायर है वो लगेगा आपका, वोल्ट लिखा हुआ है मल्टीमीटर में, देखिए वोल्ट पे लगेगा आपका रेड वायर, और जो ब्लैक वायर है वो लगेगा कॉमन में, देखिए नीचे लिखा हुआ है COM कॉमन, वहाँ पे ब्लैक वायर लगेगा। फिर देखिए आपका एक सीधा दिख रहा है, ये देखिए इसके तीर टाइप का है वो ऑफ है, अगर ऑफ में लिखा है तो ऑफ है। और ई रिक्शा का काम पे ज़्यादातर डीसी वोल्टेज लगता है, यहाँ पे एसी वगैरह तो लगता नहीं है। देखिए बाईं तरफ कोने आपको दिख रहा है वोल्ट डॉट डॉट डॉट, ये डीसी का निशान है। तो आपको अगर इग्निशन स्विच या मेन वोल्टेज चेक करना है तो 200 पे रखिए, और अगर आपको उसके अलावा कोई भी चीज़ कन्वर्टर से जो वोल्टेज निकालता है वो सब चेक करना है तो 20 पे रखिए, 20 पे। तो मैं एक बार चेक करके भी दिखाऊँगा आपको। तो देखिए यहाँ पे 200 लिखा हुआ है और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। ई रिक्शे में उसके ज़्यादा नहीं वोल्टेज होता है, 20 और 200 ये दोनों ही चलता है। और देखिए यहाँ पे बाजार राउंड का फुट छाप दिया हुआ है, देखिए ये है, ये कॉन्टीन्यूटी मोड है जहाँ पे बीप की आवाज़ आता है। देखिए माइक के जैसा ही वहाँ पे लोगो है। तो यहाँ पे रख के आप सेंसर वगैरह चेक कर सकते हो, वायर कहीं पे फॉल्ट है क्या वो भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मल्टीमीटर को लगाओगे फिर देखिए दोनों प्लग को टच करने से ही आपका बीप की आवाज़ आएगा, देखिए बीप की आवाज़ आ रहा है दोनों को टच करने से। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, ज़्यादातर ये काम आता है सेंसर चेक करने में और वायर चेक करने में, और बाकी इसका बहुत सारा काम है वो तो काम टोटो में नहीं लगता है, जो लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं वो लोग का है वो सब काम। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ टोटो के बारे में, क्योंकि भाई साहब का कमेंट था ई रिक्शे के बारे में ही। तो चलिए अब इसका पीछे का डिब्बा खोल लेता हूँ, अब दिखा देता हूँ आपको कि कौन सा वायर में कितना वोल्टेज रहता है, आप कैसे आसानी से पता कर सकते हो। तो देखिए मैं पहले डीसी वोल्टेज में 200 में रख दिया। अगर आपको चारों बैटरी का वोल्टेज चेक करना है तो 200 में ही रखना पड़ेगा, और अगर इग्निशन स्विच का कितना वोल्ट आ रहा है वो चेक करना है तो 200 में रखना पड़ेगा। देखिए ये इग्निशन स्विच है, तो इसको चेक करने के लिए मैं जो मल्टीमीटर का रेड वाला वायर है उसको लगा दिया इग्निशन वायर में, और बाकी माइनस जो मल्टीमीटर का है उसको लगा दे रहा हूँ येलो बॉक्स के माइनस पॉइंट में। तो देखिए इस यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 52 ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 20 पे लगाओगे मल्टीमीटर को तो वोल्टेज सही से नहीं शो करेगा। इग्निशन स्विच जहाँ जहाँ जाता है उस इग्निशन स्विच का करंट वहाँ वहाँ चेक करने में आपको 200 पे लगाना पड़ेगा मल्टीमीटर को, डीसी 200। तो देखिए इधर रेड वाला और ब्लैक वाला जो मोटा दो वायर है उस पर भी 48 वोल्ट रहता है, तो उसको भी चेक करने के लिए आपको 200 पे ही रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी 51.9 ऐसा दिखा रहा है। तो देखिए इसमें ब्लैक वाला को मैं ब्लैक पे लगा दिया और रेड वाले को रेड पे लगा दिया, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। अगर कभी आपका बैटरी से वोल्टेज सही से नहीं आ रहा होगा तो यहाँ चेक करने से मालूम पड़ जाता है। तो देखिए अब मैं डीसी 220 पे लगा दिया कि कन्वर्टर से जितना भी वायर निकाल के आता है अभी सब 12 वोल्ट का रहता है, इसलिए मैं 20 पे लगा दिया। तो चलिए अब चेक करेंगे पिकअप का वायर, जो एक्सेलेटर का वायर है उसको, क्योंकि कंट्रोलर से भी जितना भी वायर निकाल के आता है सब 5 वोल्ट का आता है ज़्यादातर। तो चलिए मैं पहले कंट्रोलर से कितना वोल्ट पिकअप में जाने के लिए निकाल के आता है वो देखते हैं। देखिए 4 कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, 4.30 या 32 ऐसा कुछ दिखा रहा है। पिकअप से जो वापस आता है उस वायर को चेक करेंगे, देखिए 91 दिखा रहा है, 0.91 आप ये 85 से 90 तक ऐसा होना चाहिए, तो ये सही है। जो कंट्रोलर से वोल्टेज निकाल के आता है वो होना चाहिए 4.30 से लेकर 4.80 तक। तो देखिए अब यहाँ पे पिकअप मार रहा हूँ तो वोल्टेज आ रहा है, मैं जो सेंसर का वायर है उसको निकाल दिया ताकि गाड़ी चलने ना लगे इसलिए।
देखिए पिकअप मारने से यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, इसी तरह से आप भी चेक कर सकते हो। पिकअप का जो ब्लॉक वायर है उसमें मैं मल्टीमीटर का ब्लॉक को लगाया, और जो रेड है मल्टीमीटर का उसमें मैं पिकअप से जो वापस आता है ब्लू वाला ग्रीन वाला वायर उसमें लगाया। तो चलिए आप सेंसर को चेक कर लेते हैं, जो कंट्रोलर से सेंसर की तरफ जाने के लिए वायर है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको डीसी 20 पे रखना है वोल्टेज को। तो चलिए आप जो मल्टीमीटर का ब्लॉक है, ब्लॉक वायर है उसको सेंसर की ब्लॉक में लगाना है, और जो रेड है उसको सेंसर की रेड वायर में लगाना है। तो देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज शो कर रहा है 4.678, ऐसा ही वोल्टेज शो करना चाहिए। ये 5 वोल्ट नहीं होता है, 5 वोल्ट से नीचे रहता है, और बाकी जो है वो येलो ब्लू एंड ग्रीन। देखिए यहाँ पे 4.5 वोल्ट ऐसा दिखा रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट ज़्यादातर होता है, और कभी कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन ज़्यादातर 5 वोल्ट दिखाता है इसमें। तो देखिए रेड वाले पे लगाने से 4.5 वोल्ट तक दिखा रहा है, और बाकी का 5 वोल्ट तक दिखा रहा है। देखिए इसी तरह से आप चेक कर सकते हो सेंसर के वायर को, जो कंट्रोलर से निकाल के आता है उसमें कितना वोल्टेज रहता है। जो ब्लैक और रेड वाला है उसमें रहेगा 4.5 से 4.80 तक वोल्ट रहेगा, और येलो ब्लू एंड ग्रीन में रहेगा 5 वोल्ट रहेगा। तो चलिए आप सेंसर को भी चेक कर लेते हैं, मोटर के अंदर जो सेंसर रहता है उसको भी एक बार चेक करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए आप देखिए मीटर बंद है, तो इसको ले जाना है बाजार राउंड पे जहाँ पे बीप की आवाज़ आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सेट कर लिया, देखिए आपको देख के ही मालूम पड़ेगा, और मैं पहले भी दिखाया था आपको। तो देखिए यहाँ पे लगा कि अगर दोनों वायर को एक साथ में टच करोगे तो बीप की आवाज़ आएगा, देखिए ऐसा बीप की आवाज़ आएगा। तो सेंसर चेक करने के लिए यहीं पे लगाना पड़ता है मीटर को। अब मैं सेंसर का जो रेड वायर है उसमें मल्टीमीटर का रेड वायर को लगाया, और जो ब्लैक है उसमें ब्लैक को लगाया। तो देखिए यहाँ पे 1580 ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो ये जो वोल्टेज है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब बाकी दूसरा वायर को चेक करने के लिए, जैसे ब्लू येलो एंड ग्रीन को चेक करने के लिए, मल्टीमीटर का जो रेड वायर है उसको मैं ब्लैक पे लगाया, सेंसर की जो ब्लैक वायर है उसमें लगाया, और बाकी जो मल्टीमीटर का ब्लैक है उसको लगा रहा हूँ येलो ब्लू एंड ग्रीन में। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है 601 602, ये आगे पीछे, ये भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन तीनों में से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा किसी में भी। अगर ख़राब हो जाता है तभी ज़्यादा फ़र्क होगा। तो इसी तरह से आप सेंसर को भी चेक कर सकते हो, और ज़्यादातर सेंसर शॉर्ट आ जाने से वोल्टेज सही दिखाएगा लेकिन गाड़ी चलेगा नहीं। तो उसके लिए मैं दूसरा एक मीटर बनाया, उस पर आसानी से चेक हो सकता है। तो चलिए इसको भी लगा देता हूँ, देखिए इसको भी लगा दिया। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये अच्छे गाड़ी का दिखा रहा हूँ, अगर ख़राब होगा तो ये सब वैल्यू नहीं शो करेगा, तो उल्टा सीधा वैल्यू शो कर सकता है, सब में एक तरफ का नहीं आएगा। तो आप देखिए रिवर्स का वायर को चेक करके दिखाता हूँ मैं। तो रिवर्स का वायर में मैं मल्टीमीटर का जो रेड वाला है उसको लगा दिया, रेड वाले वायर को, और जो ब्लैक वाला है उसको मैं कहीं पर भी लगा देता हूँ, नहीं तो कन्वर्टर के माइनस पॉइंट पर लगा सकते हो, या जो रिवर्स का हॉर्न है उस पर भी लगा सकते हो। तो चलिए अब मैं इसको डीसी 20 पे लगा देता हूँ फिर से। अब स्विच मारने से ही इधर आवाज़ भी आएगा और 12 वोल्ट भी दिखाएगा। देखिए अगर कभी रिवर्स में नहीं चलता है गाड़ी तो ऐसे वोल्टेज चेक कर सकते हो कि सही से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 12.30 दिखा रहा है, ये कन्वर्टर का जो वोल्टेज निकल कर आता है वही वोल्टेज है। तो वीडियो में तो सब कुछ दिखा नहीं सकते, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, दूसरा कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हो, वीडियो में नंबर दिया हुआ रहेगा, तो आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हो मुझे। तो चलिए आप एक बार कन्वर्टर को चेक कर लेते हैं कि कन्वर्टर में कितना वोल्ट आता है, इनपुट होता है, कितना आउटपुट होता है। तो देखिए कन्वर्टर का जो ब्लॉक वाला एक वायर रहेगा उसमें मल्टीमीटर को ब्लॉक प्लग को लगाना है, और जो रेड वाला है उसमें रेड को लगाना है। तो आपको बैटरी का कितना करंट है वो दिखाएगा, और मल्टीमीटर को आपको 200 पे ही रखना है, डीसी 200 पे।
तभी वोल्टेज सही से दिखाएगा, 20 पे रखोगे तो वोल्टेज नहीं दिखाएगा। तो देखिए 51.878 ऐसा दिखा रहा है। अब जब दूसरा चेक करोगे कि कन्वर्टर से कितना आउटपुट हो रहा है, तब आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर का जो ब्लैक पॉइंट है, ब्लैक वायर है, उसको ब्लैक पे रहने देंगे और बाकी जो मल्टीमीटर से मल्टीमीटर का जो रेड वायर है उसको लगाएंगे आप पीले वायर पे, जो कन्वर्टर से निकाल के आता है उस वायर पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 12.6, तो ये कन्वर्टर से निकाल के आता है हमारा लाइट हॉर्न, उसके बाद रिवर्स को चलाने के लिए ये वोल्टेज निकल के आता है। अब मैं कुछ दिन में कंट्रोलर का कौन सा वायर में कितना वोल्टेज रहता है वो भी वीडियो बना के भेजूंगा मैं। तो देखिए अब चारों बैटरी का एक साथ में वोल्टेज दिखाता हूँ कि कितना है। चारों बैटरी का वोल्टेज एक साथ में नापने के लिए देखिए इस रेड वाले इस साइड पे मैं लगा दिया रेड वाले को, और जो ब्लैक वाला है उसमें ब्लैक को लगाया। तो देखिए 51.78 ऐसा दिखा रहा है। तो ये है आपका चारों बैटरी का वोल्टेज, और एक एक बैटरी का वोल्टेज मापने के लिए आपको डीसी 20 पे रखना है। डीसी 20 पे रख के फिर एक एक बैटरी का वोल्टेज नाप सकते हो आप। तो देखिए और कई वायर अगर छूटा हुआ है, कहीं पे टूट गया हो या फॉल्ट हो गया हो, तो उस वायर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को पहले बजर राउंड पे लगा दिया, जहाँ पे सेंसर चेक किया उसी में लगा दिया, और वायर का दोनों सिरा दोनों मल्टीमीटर के जो दोनों फ्रॉग है उसमें लगाना है। तो देखिए बीप की आवाज़ आएगा, अगर वायर सही रहेगा तो बीप की आवाज़ आएगा, और अगर वायर सही नहीं रहेगा तो बीप की आवाज़ भी नहीं आएगा, कुछ वैल्यू भी नहीं शो करेगा। तो इसी तरह से आप वायर भी चेक कर सकते हो कहीं पे फॉल्ट है कि नहीं है वायर।